तो मैं आया हूँ यहाँ पर दिल्ली के जाने माने बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया रह चुके वसीम खान के पास, क्योंकि वज़न कम करने के लिए जैसे आपने देखा मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। आज मैं इनसे बात करने के आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अब विकल्प बचा है, या तो मैं सर्जरी कराऊँ, जैसा आपने देखा मैं डॉक्टर चौबे के पास गया, अब मैं आया हूँ दूसरा ऑप्शन ट्राई करने के लिए वसीम खान के पास, जिन्होंने आके मेरा मेजरमेंट लिया, इन्होंने मेरा वज़न लिया, सबसे पहले इन्होंने मेरी पूरी बॉडी पार्ट को जांचा, उसके बाद ये मुझे बताएंगे क्या करना है, क्या मेरा वज़न कम हो सकता है या नहीं हो सकता, या मैं इतने डिप्रेशन में हूँ, तकरीबन 150 किलो 149 किलो मेरे में वज़न है, क्या इस वज़न के साथ मैं जिम कर सकता हूँ, क्या क्या रिस्क रहेगा, वो सारी बात जानने के लिए मैं वसीम खान के पास आया हूँ। पहला सवाल, वजन कम करने में कितना रिस्क है, क्या इस दौरान मेरी मौत भी हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, जिम करने से मरते नहीं है लोग, तो यहाँ तो असली में तो जिंदा होने के लिए आते हैं, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होने की वजह शायद आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, आप शायद डिप्रेस हो चुके हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे भरोगे। वजन कितने दिन में कम हो जाएगा? देखिए, जैसे आपने बताया कि मुझे अप्रोक्सीमेटली 85 टू 90 केजी वेट करना है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 65 केजी आपको बर्न करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 months अप्रोक्सीमेटली लगेंगे आपको। वजन कम करने के कारण क्या मेरी स्किन लूज हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है स्किन लूज होगी, हम उसी हिसाब से आपको वर्कआउट करेंगे, मसल टोन करने का वर्कआउट अलग होता है, फैट बर्न करने का वर्कआउट अलग होता है, तो ऐसा नहीं कि आपकी स्किन लूज होगी। क्या मुझे स्किन का भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपका, वो साथ में वर्कआउट होगा। मेरा ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द आदि बीमारी खत्म हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल दूर होंगी, क्योंकि अभी ये सारे प्रॉब्लम आपके वेट ज्यादा होने की वजह से तो सारी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम सारा वजन बढ़ा हुआ है आपका, उसी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम है, तो वजन कम होगा तो ठीक जरूर हो जाएंगे। क्या जिंदगी भर मुझे कम खाना खाना पड़ेगा? नहीं, कम नहीं खाना आपको, कम तो अभी भी नहीं खाना, हम वजन कम करेंगे तो अभी भी नहीं कम खाओगे आप, न्यूट्रिशनफुल डाइट लोगे, पूरी 6 meals लोगे आप, तो 6 meals मैं तो नहीं समझता कि आप 6 meals पहले भी लेते होंगे, तो 6 meals खाओगे तो ऐसा भूखा रहने की जरूरत है नहीं। क्या कम खाने से मुझे कमजोरी आएगी? नहीं, कोई कमजोरी नहीं आएगी उसमें। क्या जिंदगी भर मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे? मल्टीविटामिन्स देखिए, अभी आपकी एज जैसे 40 प्लस है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से लेना चाहिए मल्टीविटामिन, हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से अगर आप लाइफ टाइम अगर न्यूट्रिशन फुल डाइट आप रखते हैं तो मे बी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मल्टीविटामिन एक एज के बाद जरूरत पड़ती है। दोबारा वजन बढ़ गया तो? नहीं, दोबारा वजन तो तब बढ़ेगा कि आप अपना डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, आप वर्कआउट नहीं करेंगे, तो वजन तो बढ़ेगा ही, वो तो किसी का भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट कर रहे हो कम करके आपका वजन बढ़ेगा, नहीं, कोई भी होगा अगर आप वो कैलोरी बर्न नहीं करेगा तो वजन तो ऊपर जाएगा ही, नीचे नहीं, ऐसे मतलब आपको सोच टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वजन बढ़ेगा। क्या रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? कसरत तो देखिए, आप वर्कआउट तो रेगुलर एक जिस टाइप से हम खाना खाते हैं उस तरीके से एक फिटनेस है कि आप डेली रूटीन में कुछ भी, ऐसा नहीं कि आप जिम में ही वर्कआउट करो, आप वॉक कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी आप जो भी आपको अच्छी लगती है स्पोर्ट्स में वो भी एक्टिविटी करोगे तो आप कभी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। सामान्य कामकाज में कितने दिनों के बाद करने लगूंगा? नहीं, काम पे तो आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं, काम इस पे काम का क्या मतलब है कि आप काम रोक के बैठेंगे, आप अपना जिम भी करो अपना काम भी करो, नेक्स्ट डे से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? ओकार जी देखिए, खर्चा आपका बेसिकली जो हमारे जिम की फीस है उतना, मेरे जिम की फीस है, वर्कआउट मंत्रा मेरा जिम है, तो इसकी फीस 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये खर्चा तो आपका आएगा ही, प्लस आप जो भी अपना डाइट खाएंगे तो वही नॉर्मल एक रूटीन जो भी फॉलो करते हैं उसी इतना ही खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है।